गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम चंद्र प्रकाश। आज का टॉपिक है अ पिंच ऑफ स्नफ, जो रेनबो 2 का चैप्टर नंबर 3 है। यह प्रोज का एक पार्ट है। एग्जाम में इससे भी कुछ सवाल आते हैं। आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। अ पिंच ऑफ स्नफ, सबसे पहले इस चैप्टर का जो टाइटल है उसके बारे में हम समझते हैं कि पिंच ऑफ स्नफ है क्या। ठीक है, तो पिंच का मतलब होता है चुटकी। चुटकी जैसे एक चुटकी नमक, एक चुटकी सिंदूर, इस टाइप का। अब देखिए, चुटकी मैंने आपको इस फिगर में दिखाया है। स्नफ का मतलब होता है नस्वर। नस्वर का मतलब है कि खैनी कि छोटे छोटे जो बुरादे होते हैं, यानी कि डस्ट के रूप में, उसी को कहते हैं स्नफ। और उसे यानी कि होता कैसा है, तो आइए देखते हैं। नेक्स्ट पिक्चर में मैंने आपको वहाँ पे दिखाया है, जो स्वास्थ्य के लिए आपके लिए हानिकारक है और उसका प्रयोग किस प्रकार करते हैं, तो यह नेक्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं कि आप हथेली के ऊपर रख करके नाक से सूंघते हैं या चुटकी लेकर के नाक के अंदर भी रख सकते हैं, जिस प्रकार लोग खैनी को एक चुटकी बना करके होठ के अंदर रखते हैं। अब पिंच ऑफ स्नफ के जो लेखक हैं उनका नाम है मनोहर मलगांवकर, और जिनका जन्म 12 जुलाई 1913 को हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 14 जून 2010 में हुई थी। और वो दिखने में कैसे थे, मैं आपके सामने उनका एक छोटा सा पिक्चर रखता हूँ। तो आइए सबसे पहले मैं इनके बारे में जान लेता हूँ, उसके बाद में आगे की बात करेंगे। जहाँ तक मेरी जानकारी हुई है, मैं उसको एक संक्षिप्त रूप में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अ पिंच ऑफ स्नफ के लेखक का नाम मैंने आपको बता दिया, जिनका नाम है मनोहर मलगांवकर। यह एक राज परिवार में इनका जन्म हुआ था और इनकी गिनती जो है एक उपन्यासकार एवं लघु कथाकार में की जाती है। कहने का मतलब है कि यह एक बहुत ही बड़े उपन्यासकार और लघु कथाकार भी थे। इनके नाम पे 25 से ज़्यादा प्रकाशन हैं और इनकी पढ़ाई मुंबई यूनिवर्सिटी से पूरी हुई है। पेशे से यह एक सरकारी सेवक, खदान के मालिक, लेखक तथा एक किसान भी थे। एक बार इन्होंने अपने जीवन में सांसद का चुनाव भी लड़ा, जिसमें इनकी हार भी हुई थी। और ये अधिकांश अपना उपन्यास सामाजिक ऐतिहासिक परिवेश का हिस्सा है, जो कि आम तौर पर जोखिम और साहस से भरा रहता है। यह उपन्यास में ऐसा बताते हैं कि जो समाज के प्रति हो, कुछ ऐतिहासिक के बारे में हो, उसके बारे में यह अपना लिखन प्रक्रिया से लोगों को बताते हैं। मनोहर मलगांवकर की कुछ इम्पोर्टेंट वर्क भी हैं, जो इस प्रकार है। डिस्टेंस ड्रम, द प्रिंसेस, अ पेंट इन द गंगास एंड बॉम्बे बीवियर। ये जो मैंने आपको चार किताब के बारे में बताया, यह इनके इम्पोर्टेंट वर्क हैं। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, लेकिन कहने का मतलब है कि वैसी जिस प्रकार किसी हीरो की अगर आप मूवी की बात करें, तो वह बहुत सारी मूवी बनाता है, लेकिन उसमें कुछ उनके इम्पोर्टेंट जो मूवीज़ होते हैं वही हमें याद रहते हैं। ठीक उसी प्रकार इन्होंने चार किताबें लिखी, और कौन कौन सी। पहला है डिस्टेंस ड्रम, द प्रिंसेस, अ बेंड इन द गंगास एंड बॉम्बे बी वेयर। अ पिंच ऑफ स्नफ एक रोचक एवं हंसी मजाक वाला शॉर्ट स्टोरी है, जिसमें
लेखक ने एक काल्पनिक पात्र नानू काका का प्रयोग करके यह बताने की कोशिश किए हैं कि अगर हमारे जीवन में कठिन से कठिन परिस्थिति भी आए तो उसे सूझबूझ के साथ हम आसानी से उसे कर सकते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं, यहाँ तक मैंने मनोहर मलगांवकर के बारे में बताया, अब अ पिंच ऑफ स्नफ की एक छोटी सी समरी मैं आपके सामने रखता हूँ, उसके बाद लाइन बाय लाइन मैं आपको बताऊंगा कि इस कहानी में एक्चुअली है क्या। तो ए पिंच ऑफ स्नफ जो है कंटेम्प्ररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश से ली गई लघु कथा है। यह एक रोमांचक कथा है जो पाठकों को अंत तक बांधे रखती है। कहने का मतलब है कि जब कोई भी पाठक यानी कि रीडर इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करता है तो उसे जिज्ञासा होती कि अब क्या होने वाला, जिस प्रकार आप सीरियल देखते हैं लास्ट मोमेंट पे छोड़ देता है कि ताकि आप अगला दिन उस समय का इंतजार करें, ठीक उसी प्रकार इनकी भी जो लिखन है वह इसी प्रकार है। और इस कहानी का जो मुख्य पात्र है उनका नाम है नानू काका। वह कहीं भी किसी भी तरह की परिस्थिति से निपटने में उनका कोई तोर नहीं है। कहने का मतलब बहुत ही आसान तरीके से उस परिस्थिति से यह निकल लेते थे। लेखक को जब यह पता चलता है अपनी माँ के द्वारा कि नानू काका उनके घर आ रहे हैं, तब लेखक बहाने बना करके उनको टालने की कोशिश करते हैं और माँ से कहते हैं कि किसी प्रकार उन्हें वहीं रोक दें, लेकिन माँ उन्हें समझाती है, बहुत समझाती है, तब जा कर के लेखक मानते हैं कि ठीक है आने देते हैं। और वह पूछते हैं कि वह हमारे घर क्यों आ रहे हैं, तो माँ कहती है कि वह किसी मंत्री से मिलने आ रहे हैं और वह यहाँ 2 से 3 दिन से ज़्यादा नहीं रुकेंगे। तब लेखक कहते हैं कि वह यहाँ 2 दिन तक नहीं रुकेंगे, 2 से 3 दिन नहीं, उन्हें महीने सप्ताहों भी लग सकते हैं, क्योंकि किसी मंत्री से मिलना इतना आसान नहीं होता है। ऐसा लेखक ने अपनी माँ को समझाते हैं। और उस समय लेखक नया नया सहायक अधिकारी थे और उन्हें यह सिखाया गया था कि मंत्री को ईश्वर से ऊंचा मानना चाहिए। माँ बहुत समझाती है, उनके समझाने के बाद लेखक आधे मन से नानू काका को स्टेशन से लाने के लिए चले जाते हैं। जब नानू काका घर आती है उनके माँ उन्हें देख करके खुश होती है। कुछ समय के बाद नानू काका लेखक को कहते हैं कि मुझे मंत्री से मिलने चलना चाहिए। तब लेखक उन्हें मंत्री जी के कार्यालय में ले जाते हैं, लेकिन उन्हें मंत्री से मिलने नहीं दिया जाता है क्योंकि वह मंत्री से नहीं मिल पाते हैं। और उन्हें आज से ठीक 3 दिन के बाद का समय मिलता है। आज का मतलब मैं आज कह रहा हूँ, आज का नहीं, जिस दिन नानू काका मंत्री से मिलने गए ठीक उस दिन से 3 दिन बाद का समय दिया जाता है। उसके बाद जब वो वहाँ से वापस आ रहे थे तो उन्होंने बहुत ही सुंदर और अच्छी अच्छी मराठी में गालियाँ देते हुए वह वापस आ रहे थे। उसी समय उन्हें एक व्यक्ति से मुलाकात होती है जो बदतमीजी की तरह से वहाँ से वह गुजरता है, जो सोहनलाल रतिराम का बेटा होता है। लेखक उनके बारे में बताता है। उसके बाद नानू काका लेखक को कहते हैं कि अब हमें सोहन लाल रतिराम के घर चलना चाहिए।
वहां जाकर नानू काका सेक्रेटरी पर अपना धाक जमाते हैं और खुद को बड़े बड़े नेताओं से संपर्क है ऐसा वह जताते हैं। तब सेक्रेटरी उन्हें व्हाइट हॉल, जिसे वेटिंग रूम कहते हैं, और उस रूम की दीवारें जो थी वह व्हाइट कलर से पेंट किया हुआ था, इसलिए सेक्रेटरी उसका नाम व्हाइट हॉल के रूप में रखता है, बैठा करके लाला से पूछने जाता है कि एक व्यक्ति आए हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि बड़े बड़े जो लोग होते हैं वह बिना अपॉइंटमेंट के नहीं मिलते हैं, लेकिन नानू काका बिना अपॉइंटमेंट के वहां चले गए थे। ठीक उसी बीच में नानू काका अपनी आवाज को ऊंची करते हुए हजरत बरकत अली, जो राजदूत थे, उनके बारे में ऐसे बोलते हैं जैसे हजरत बरकत अली और नानू काका दोनों एक अच्छे दोस्त हों। जैसे ही सोहनलाल इस आवाज को सुनता है, यानी कि हजरत बरकत अली के बारे में सुनता है, तो वह तुरंत उठकर चला आता है और नानू काका आकर के उनका स्वागत करते हैं। बातों बातों में सोहनलाल नानू काका से कहता है कि उनका बेटा वित्त विभाग में कार्यरत है, पर किसी ने राजदूत के मन में उनके बेटे के प्रति जहर भर दिया गया। नानू काका सोहनलाल को आश्वस्त करते हैं कि खुद हजरत बरकत अली से वह बात करेंगे और उन्हें समझाएंगे उनका बेटा ऐसा नहीं कर सकता। फिर कुछ देर बात करने के बाद बातों बातों में यह पता चलता है कि मंत्री और सोहनलाल में दुश्मनी हो गई है, क्योंकि मंत्री अपनी पुत्री का विवाह सोहनलाल के बेटे से ना करके निनोरे के राजकुमार से कर रहे थे। फिर वहां से नानू काका घर वापस चले आते हैं और अगले दिन नानू काका लेखक को एक भव्य कार किराए पर लेने के लिए कहते हैं और उन्हें अपना ड्राइवर बनने का नाटक करने के लिए भी कहते हैं, और वह खुद को एक ज्योतिषी की तरह कपड़े पहनकर मंत्री के आवास पर पहुंच जाते हैं। अब उन्होंने इस भव्य कार्य को कैसे लिया, हम कहानी के बीच में आपको बताएंगे, ठीक है, क्योंकि आप अभी सिर्फ समरी सुन रहे हैं। अब यहाँ पे जो है, यह जब मंत्री के आवास पे जाते हैं तो वहां पे जो सेक्रेटरी था उन्हें एक विजिटिंग बुक देता है और उसमें कहता है कि आप अपना नाम और अपना पता लिखें, क्योंकि मंत्री वहां पे नहीं थे। तो वह खुद को निनोरे के, वह कौन, नानू काका खुद को निनोरे के महाराजा का राज पुरोहित बताते हैं और उन्होंने हमारे घर का, किसके हमारे घर, लेखक के घर का पता लिखते हैं और वहाँ से वह निकलते हुए बोलते हैं हमें महाराज सुतकता के महल में ले चलो, और वहाँ से वो दोनों फिर वापस घर चले आते हैं। लेखक यह सोचता है कि जब मंत्री को सच्चाई मालूम होगी तो क्या होगा, और लेखक आशा करते हैं कि इस स्थिति को भी नानू काका कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, क्योंकि नानू काका किसी भी परिस्थिति में वह आसानी से इस समस्या को वह हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि अगर आपके पास बुद्धि है तो आप बहुत ही आसानी से
सूझबूझ के साथ किसी भी कार्य को आप कर सकते हैं, बशर्ते किसी भी समस्या के समय आप अपने दिमाग को शांत रखें। तब ऐसा ना हो कि समस्या सुने और आप पागलों की तरह इधर उधर बौखलाने लगें तो वह समस्या और भी गंभीर हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको लाइन बाय लाइन समझाऊंगा कि किस तरह से इस कहानी में क्या क्या हुआ है। ठीक है, थैंक यू।